पांडे साहब, उससे पहले एक चीज, नए जमाने के शेयरों के हाल बड़े बुरे हैं, बुरे हैं। नेस्डेक की गिरावट में सेंटिमेंटल साथ देते हुए ये स्टॉक जोमेटो अब दो डिजिट में आता हुआ, 100 के नीचे। नायका ये भी 7-8% 8% नीचे सर। आशीष, जोमेटो ने ऑर्डर करना बंद कर दिया आपने? सर डिस्काउंट पे खुद जोमेटो मिल रहा है अब तो। हाँ, बजाय कुछ और खरीदे, पता नहीं मतलब बुरा हाल है। 15 बहुत, ऐसा क्यों सर? सारे ऐसे तो ओपनिंग अप में इनके ऑर्डर्स कम हो जाएंगे ऐसा? लेकिन ये तो लोगों को आलसी बनाने वाला काम करते हैं। घर बैठे बैठे ऑर्डर करो, आ जाए तो। एक बार आदमी आलसी बनने के बाद काम तो नहीं करता, क्यों बंसल जी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी, ऑर्डर तो कम होने वाले नहीं है, बट स्टॉक गिर रहा है अनिल जी, ब्रेक डाउन हुआ है। और बिल्कुल सही चीज है अनिल जी, गलत आदत जल्दी जल्दी जाती नहीं है, तो जो आलस की आदत पड़ जाती है वो जल्दी से जाएगी नहीं। बंसल जी, मुझे ऑब्जेक्शन है आपके जवाब पर। आपको सीधे जवाब में ये कहना चाहिए, ये सवाल आपने गलती से मुझे पूछा, आप विश्वेश जी को पूछिए, मुझे क्या पता। विश्वेश जी चलो आपके पास नहीं आया, अब जवाब दे दीजिए। अरे जी, मेरे हिसाब से तो जो चीज लाइफ को ईज करे वो तो अच्छी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबको ट्राई नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं वायरस फैल गया। ठीक बात है। तो ये जोमेटो और नायका जैसे नए जमाने के शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और जबरदस्त गिर रहे हैं सर। इशू प्राइस के करीब आ गया जोमेटो, 76 का सर इशू प्राइस था, इस समय देख लीजिए 96-95 90 पे आ गया, 90 पे आ गया, 90 पे आ गया। अभी तो 99 देखा था, 99 देखे तो मुझे याद आया कि इसको कवर करना है, कि 100 के नीचे आए तो चलो इसकी बात तो करें। 115 पर बात करते हैं, 96-95 फिर 90 पे आ गया। ये सब क्या हो रहा है इन सब में? ये वापस से अनिल जी, हमने तो बोला ही था कि ये स्टॉक्स बहुत महंगे हैं, और ये पी फंड्स का एक एग्जिट था बहुत बड़ा। और देखिए जिस तरीके से वो लोग इन्वेस्टेड थे बड़े, और फॉरेनर्स और ये लोग सारे पी फंड्स इन्वेस्ट करके जब आईपीओस आते हैं तो इनका एक छोटा मोटा पोर्टफोलियो बन सकता है, बट इतने वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स को खरीदना, और ये जो आपने बोला सेंटिमेंटल साथ दे रहे हैं, नैसडैक में देखिए अगर नेटफ्लिक्स एक एक दिन में 15% टूट सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए अभी वैल्यू बाइंग, और कहीं ना कहीं जो हम लोग जेन साहब के जेम्स में और सब लोग हमारे जो देते हैं, हम लोग वैल्यू पिक्स और डिफेंसिव पिक्स की तरफ ज्यादा भी फोकस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पे फोकस करना चाहिए। और ये ओवर वैल्यूड, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरली हाई वैल्यूएशंस पे सारे काम कर रहे हैं, तो जब भी ये टूटने होंगे तो यही पहले टूटेंगे, हो सकता बाद में वापस से बाउंस बैक भी वैसे ही करे, बट मेरी राय यही रहेगी कि अपना प्रॉफिट्स अगर हो रहा हो तो बुक कर ले, बाकी